हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक चौहान फ्रॉम रेनब्रिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज 31 मई 2018 है। कल मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बिल्कुल सरप्राइज दे दिया मेरा बर्थडे मनाकर। सुबह वाले बैच और शाम वाले बैच ने इतना अच्छा सेलिब्रेशन किया कि दोस्तों मैं भावुक हो गया। मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गया। जब मैं सुबह पहुँचा दोस्तों अपनी क्लास लेने के लिए, सुबह 6 बजे मेरी क्लास चालू रहती है, तो मैं 6 बजे जब मैं आया तो मैं बहुत ज़्यादा आश्वस्त था। मेरा बर्थडे था, थोड़ा सा एक्साइटेड तो था ही। मैं बर्थडे में हर कोई एक्साइटेड रहता है दोस्तों, तो मैं एक्साइटेड था। और जब मैं अपनी क्लास में आया, एज यूजुअल अपनी क्लास में आने के बाद मैं स्टूडेंट्स आने लगे, गुड मॉर्निंग कह के बैठने लगे। उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया। सुबह जब मैं आया तो बिल्कुल मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इन लोग मुझे सरप्राइज़ देने वाले हैं। एक स्टूडेंट, सीनियर स्टूडेंट जो कि उस दिन लेट आया था, तो उन्होंने आकर मुझे ज़ोर से चिल्लाया, हैप्पी बर्थडे सर। और उसकी आवाज़ को सुनकर सभी लोग चिल्लाने लगे, हैप्पी बर्थडे टू यू सर। ये आवाज़ सुनकर दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गया था। धन्यवाद दोस्तों मुझे प्यार करने के लिए, मुझे सम्मान देने के लिए। मैं अपना काम कर्तव्य के साथ करता रहूँ, पूरी ईमानदारी के साथ करता रहूँ, बस यही आशा करता हूँ और यही दुआ करता हूँ मैं ऊपर वाले से कि प्लीज़ मेरे साथ जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे कोई व्यक्ति मेरी वजह से हर्ट हो। दोस्तों, तो आज मैं जो फंक्शंस हुए थे सुबह और शाम, उस फंक्शंस की कुछ छोटी छोटी क्लिपिंग्स, छोटे छोटे कुछ फ़ोटोज़, कुछ यादगार बातें मैं यूट्यूब में डाल रहा हूँ दोस्तों। उसे इंजॉय करें और देखें कि ये सब क्या हो रहा है। स्टूडेंट ने कितना एंजॉय किया मेरे बर्थडे को, उन्होंने कितना मेमोरेबल बना दिया, अनफॉरगेटेबल बना दिया दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं, इसमें सब कुछ है दोस्तों। इसमें नागिन का डांस भी है, इसमें कुछ फनी गाने भी हैं। फनी गाने का मतलब है कि जो गाना नहीं गा सकते हैं, नहीं गा पाते हैं, लेकिन उन्होंने आके कोशिश किया, माइक को पकड़ा और गाना गाया। कैसा भी गाना गाया हो लेकिन उन्होंने अपने जज्बातों को पेश किया, शामिल किया, बताया मेरे सामने। तो दोस्तों ये प्यार ही उनका। कुछ लोग शायरी भी गाते हैं, शायरी भी बताते हैं, और कुछ लोग डांस ऐसा करते हैं कि वो बिल्कुल फाड़ू डांस होता है, एकदम कर्रा डांस होता है, ऐसा डांस होता है कि जिसमें किसी को चोट लग सकती है। तो दोस्तों आइए देखते हैं, इंजॉय करते हैं इस वीडियो का कि इस वीडियो के अंदर क्या क्या है। फंक्शंस को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, आपके सामने एक नन्ही बालिका जिसका नाम है सृष्टि बाथम, प्यारा सा मधुर सा गीत प्रस्तुत करने जा रही है। इसकी आवाज़ में इतना मीठापन है दोस्तों कि आप भी सुनकर आवाक रह जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आगे जाकर बहुत बड़ी सिंगर निकलेगी और इसका करियर बहुत ही ब्राइट है दोस्तों। बहुत ही अच्छा गाना है, बहुत ही मधुर आवाज़ है इसकी। और मैं शुभकामनाएँ देता हूँ अपनी तरफ से और अपने सारे छात्रों की तरफ से कि ये आगे तरक्की करे, बहुत तरक्की करे। Thank you.
शुरू तुम पे ही खत्म, मेरी कहानी तुम्ही तक है, दिल को जानते से तुझ में है वो खामोशी, सौ बार तलाश लिया खुद को, कुछ तेरे सिवा न मिला मुझको, सांसों से रिश्ता फ्रेंड्स। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब आपके सामने डांस प्रस्तुत किया जा रहा है। इनका डांस देखिए और एंजॉय करिए और समझिए कि इन्होंने कितना बेहतर डांस किया है। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है दोस्तों। दोस्तों अब तो संभल के बैठ जाइए क्योंकि अब आपके सामने आ रहा है नागिन डांस। नाग और नागिन का डांस आने वाला है दोस्तों। पैर अपने ऊपर कर लीजिए क्योंकि हो सकता है कि कहीं से नाग निकल के ना आ जाए दोस्तों। बहुत ही खतरनाक डांस है, बहुत ही कर्रा डांस होने वाला है। आपके सामने नागिन डांस पेंस किया जा रहा है। ओके, देखिए इस डांस का एंजॉय करें।
दोस्तों एंजॉयमेंट को किसी सीमा में बांधना बहुत मुश्किल होता है. एंजॉयमेंट का मतलब होता है कि आनंद उठाना, उत्सव करना, बस मजे लेना. लेकिन दोस्तों आनंद लेते समय, एंजॉय करते समय, उत्सव मनाते समय हमें इस बात का ध्यान देना है कि जस्ट आनंद मनाएं, उत्सव मनाएं, लोगों के साथ मनाएं, अकेले मनाएं, कैसे भी करें, लेकिन किसी को हर्ट नहीं करना है. तो इसी सिलसिले में हम लोग आगे देख रहे हैं एक फाड़ू डांस, बिल्कुल कर्रा डांस है दोस्तों. भोपाली भाषा में मुझे कर्रा बोलना पड़ रहा है. देखिए अलग अलग स्टूडेंट दोस्तों ध्यान देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि एक दूसरे पे चोट लग जाए. देखिए कर्रा और फाड़ू डांस आपके सामने पेश किया जा रहा है हमारे रेनबो ग्रुप के द्वारा. थैंक यू. फंक्शन में अगर ग्रुप डांस ना हो तो फंक्शन पूरा किरकिरा हो जाता है, मजा पूरा खत्म हो जाता है. दोस्तों ग्रुप डांस करने का एक फायदा यह भी होता है कि जिनको डांस नहीं आता है या जो डांस में माहिर नहीं है या जो डरते हैं, शर्माते हैं, वो भी डांस में अपना हाथ आजमा सकते हैं. दोस्तों मैं तो यही करता हूं, मैं तो ग्रुप डांस का इंतजार करता हूं. और जब भी फंक्शन होता है मेरे स्टूडेंट मुझे फोर्स करते हैं, सर आइए डांस करने आइए. सर मुझे तो बिल्कुल डांस आता नहीं है, बस इधर उधर हाथ पैर मारना आता है. तो मैं क्या करता हूँ कि ग्रुप डांस का इंतजार करता हूँ. जब भी ग्रुप डांस आता है तो उनके बीच में घुस जाता हूँ, तो मेरी जो गलतियां हैं, मेरे जो स्टेप्स हैं, मेरे डांस करने का जो तरीका, वो सारा छिप जाता है. तो दोस्तों आइए इंजॉय करते हैं ग्रुप डांस को. ग्रुप डांस हमारे रेनबो इंग्लिश इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स के द्वारा कितना बढ़िया डांस किया है दोस्तों. इसमें इसके अंदर जरूर इनके अंदर एक डांसर छुपा हुआ है, तो हमें उस डांसर को बाहर निकालना है. तो दोस्तों समझिए और बताइए कि इसमें सबसे बेस्ट डांसर कौन सा है. छात्र अपनी अपनी प्रतिभा अपने अपने तरीके से शो करते हैं, दिखाते हैं. कुछ लोग डांस करते हैं, कुछ लोग जोक सुनाते हैं, कुछ लोग शेर व शायरी सुनाते हैं, कुछ लोग दो लाइंस कहते हैं, कुछ लोग कुछ का कुछ करते हैं, कुछ लोग बैठे रहते हैं, कुछ लोग तालियां बजाते हैं. तो दोस्तों इसी क्रम में अगला कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है फोटोग्राफी. दोस्तों फोटोग्राफी में हमें कुछ करना नहीं होता, बस बैठना होता है और छोटी सी स्माइल देना होता है. तो अब आपके सामने अगला जो प्रोग्राम आने वाला है फोटोग्राफी का, तो देखिए कुछ स्टूडेंट्स
जिन्होंने अपना टैलेंट गाने में, डांस में और भी चीजों में नहीं बता पाए, वो अपना टैलेंट फोटोग्राफी में दिखा रहे हैं। देखिए कितना प्यारे तरीके से बैठे हैं, कितनी अच्छी मुस्कुराहट है उनके चेहरे पर, कितने स्टाइल से बैठे हुए हैं। तो दोस्तों समझिए और पता लगाइए कि इसमें भविष्य का हीरो किस चेहरे पे छिपा हुआ है। एंजॉय करें इस फोटोग्राफी को। दोस्तों फंक्शंस में अगर स्नैक्स ना हो तो फंक्शंस अधूरा सा लगता है। तो दोस्तों फंक्शंस में स्नैक्स का आनंद लेते हैं, इसका लुत्फ उठाते हैं। दोस्तों स्नैक्स में सांप की बात नहीं कर रहा हूं, वो नागिन वाला डांस हम लोग देख चुके पहले। स्नैक्स का मतलब आप समझ, बहुत डांस कर लिए, बहुत गाना गा लिए, थोड़ा सा हम लोग रिफ्रेश हो जाते हैं, थोड़ी सी पेट पूजा भी कर लेते हैं हल्की सी, ताकि अगले कार्यक्रम के लिए हमारे पास कुछ एनर्जी आ जाए। तो दोस्तों एंजॉय करते हैं स्नैक्स का, रिफ्रेशमेंट का। फंक्शंस का सिलसिला केक कटने से जो चालू हुआ था, धीरे धीरे डांस, सॉन्ग, चुटकुले, शेरो शायरी और फन हंसी मजाक से आगे बढ़ता हुआ, ग्रुप डांस से होता हुआ, नागिन डांस से होता हुआ, कर्रा फाड़ू डांस से होता हुआ आगे बढ़ा। दोस्तों अब समय आ गया है विदा लेने का, जो कि दोस्तों सभी के साथ ऐसा होता है। अब हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है, विदा हम आज इस कार्यक्रम से ले रहे हैं, लेकिन लाइफ में कार्यक्रम, उत्सव, आनंद कभी खत्म नहीं होते हैं, लाइफ में ये सब चलता ही रहता है दोस्तों। तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, फिर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मेरे जन्मदिन को बहुत ही यादगार बना दिया और मुझे फिर से ऐसा फील होने लगा है कि मैं फिर से यंग हो गया हूँ, जवान हो गया हूँ। तो मेरा जितने भी बर्थडे आते हैं, तो बर्थडे तो एक साल पीछे छोड़ देता है, लेकिन आपके इतना बड़ा प्यार देखकर, इतना बड़ा सम्मान देखकर दोस्तों धन्यवाद अपना समय देने के लिए और मेरे जन्मदिन को बेहतर बनाने के लिए और इसमें चार चांद लगाने के लिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं तो चाहूंगा कि आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें और बताएं कि आपके अंदर कौन सा टैलेंट छिपा हुआ है, ताकि वो समझ सकें, क्योंकि इंग्लिश का टैलेंट तो आप बाकी दिन दिखाते ही रहते हैं। आज अपने अपने डांस, सॉन्ग और दूसरा टैलेंट दिखाया। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द।